हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और आप लोग लगातार मुझे जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहे और आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचती रहेगी। चलिए बात करते हैं, अध्याय नंबर 9 की बात कर लेते हैं, वो है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। यहाँ पर हम मुगल दरबार के बारे में, मुगल से संबंधित जितने भी राजा हैं उनकी चर्चा जो कर रहे हैं। आज हम भाग 6 तक पहुंच चुके हैं, जहां पर हम बात करेंगे अकबर के बेटे जहांगीर की। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार कितना किया, उसके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण बातें रही, इसी तरह से उनके जो बेटे हुआ गए शाहजहां और उनके शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण बातें, ये भाग नंबर 6 में आज हम करने वाले हैं। लेकिन क्या आपने भाग नंबर 5 को, जो अकबर से संदर्भ में था, उसको अगर अच्छे से पढ़ लिया हो तो 5 जो है आपने सही मेल करने हैं। सबसे पहला है कि अंबर का संबंध किससे था, तो ये अंबर जो है किस रियासत को कहा जाता था, ये जयपुर को कहा जाता था, याद रखना। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर इसे अकबर ने हटा दिया था, कब हटाया था, 56 में, 63 में, 64 में, तो सही उत्तर है 63 में, 1563 ईस्वी में जो है वो इसे हटा दिया गया था। फिर जजिया कर जो है इसे भी अकबर ने हटा दिया था, ये उसकी जो है राजपूत नीति का एक जो है पार्ट था, ताकि वो राजपूतों को मित्र बना सके, तो कब हटाया गया था, 56 या 64, सही उत्तर है 64 में, ठीक है। फिर टोडरमल जो है उनके दरबार के 7 रत्नों में से एक माने जाते थे, जिन्होंने बहुत सारी जो है व्यवस्थाओं को जो है खासतौर पर किसे भू राजस्व व्यवस्था को सुधारा था, तो ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था जिसके बलबूते पर अकबर को बहुत सा भू राजस्व जो है वो मिलने लगा था। फिर सिंहासन आरूढ़ कब हुए थे अकबर, वो थे 1556 ईस्वी में, कालानौर पंजाब याद होगा आपको, और उनके संरक्षक थे बहरम खां, उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर शहंशाह के पद पर जो है बिठाए गए थे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 6 की, अध्याय नंबर 6 नहीं, पार्ट नंबर 6। अब जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने शासन किया 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, और इनका जो नाम था वो बचपन का नाम वो सलीम, सलीम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो बचपन में जब जन्म हुआ था तो 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम की चिश्ती की जो है वो कुटिया थी, वहां पर उनका जन्म हुआ और उनके नाम पर ही जो है उनका इनका नाम जो पड़ा सलीम पड़ा, ठीक है। तो उनका जो पूरा नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से ये विख्यात हुए और सिंहासन पर बैठे 1605 में। और एक इंपॉर्टेंट उनके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी कि जिनके साथ इनका विवाह हुआ उनका नाम था नूर जहां, जिनका वास्तविक नाम था मेहरुनिशा, याद रखना, जीके का प्रश्न है। तो भाई 1611 ईस्वी में जब विवाह हुआ उसके पश्चात की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, अगर हम कहें कि जहांगीर ने जिस व्यवस्था से जो है अपना शासन पूरा किया उसमें नूर जहां का हाथ सबसे आगे था, या वास्तविक तौर पर जो है शासन करने वाली थी वो नूर जहां थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर के जो राजनीतिक गुरु थी वो नूर जहां थी, जितने भी आदेश होते थे नूर जहां की सहमति से ही पारित होते थे, क्लियर है। तो उसकी पैठ थी राजनीति में। फिर बात करते हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार। देखिए सबसे पहले जो है बंगाल का विद्रोह हुआ 1622 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में, वो बंगाल जिसे जो है अकबर ने 1576 ईस्वी में जीत लिया था और अपने साम्राज्य में ला लिया था। अब जो वहाँ का अफगान सरदार था वो काफ़ी ताकतवर हो गया था, उस्मान खान, याद रखना, नाम रखना उस्मान खान। इन्होंने जो है ढाका पर जो राजधानी थी जो है बंगाल की वहाँ पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन मुगल सेनापति थे जिन्हें भेजा गया था इनको इनके विद्रोह को कुचलने के लिए, उनका नाम था इस्लाम खान, तो उन्होंने उनको पराजित किया और बंगाल में पुनः शांति की स्थापना हुई, ठीक है। ये पहला जो है कार्य किया गया। फिर दूसरा जो कार्य किया गया वो था मेवाड़ की अधीनता 1615 ईस्वी में। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें अकबर ने जो है जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ उसे 1567 ईस्वी में ही 68 में ही जीत लिया था, ठीक है, और एक बहुत बड़ी विजय थी ये चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेना। तो इस प्रकार से दिल को जीत लिया था, लेकिन अब शेष भाग रह गया था, लेकिन अकबर और दक्षिण भारत के विजयों में लगा रहा तो इस प्रकार उसे समय नहीं मिला। लेकिन जहांगीर ने सोचा, और जहांगीर ने क्यों सोचा, क्योंकि उस समय उनके जो बेटे थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप सिंह, तो महाराणा प्रताप की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी 1597 ईस्वी में, ठीक है। तो अब इतना ताकतवर मेवाड़ नहीं रहा था, तो उनके जो बेटे थे अमर सिंह वो इतने ताकतवर नहीं थे, इसलिए जो है 1606 ईस्वी से 1613 के मध्य उन्होंने जो है सैनिक अभियान भेजे, 3 सैनिक अभियान भेजे, लेकिन यह सफल रहे। अंततः उनका जो बेटा था खुर्रम, याद रखना खुर्रम, और यही खुर्रम जो योग्य बेटा था वो शाहजहां के नाम से जो विख्यात हुआ। तो 1613 ईस्वी में इन्होंने जो है वो इनके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और इस तरह से मेवाड़ के प्रदेशों को, जिन जिन प्रदेशों को जीतते चले गए वहां पर उन्होंने भारी विनाश किया। तो अतः बाद में अमर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनको लगा था कि ये विनाश को देखकर वो डर गए और वो नहीं चाहते कि लोगों का इस तरह से जो सामना हो इनके साथ, तो उन्होंने जो उनके साथ संधि कर ली 1615 ईस्वी में
और इस प्रकार से संधि करने के पश्चात जो है वो अपनी जान भी बचाई और लोगों को भी उन्होंने बचा लिया था। फिर बात करते हैं दक्षिणी नीति। अकबर के समय जो दक्षिणी नीति थी वो क्या थी कि उन्होंने अहमदानगर को पूरी तरह से नहीं जीता था और वो चाहते थे कि जो है वो दूर दूर दक्षिण तक उन्होंने जीते बेशक, लेकिन उनको जो है अपने राजनीति करना थी और वहां से उनको उन्होंने खिराज हासिल करी थी। लेकिन ये आगे बढ़कर उन्होंने अहमदनगर पूरे अहमदनगर को जो है जीतने का प्रयास किया, करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं यह अपने जो योग्य वजीर था मलिक अंबर, ये काफ़ी शक्तिशाली उस समय तक हो चुका था, उसने अपनी शक्ति को काफ़ी जो है गुना बढ़ा लिया था। इसलिए जहांगीर ने जितने भी जो है 3 अभियान भेजे वो सारे के सारे असफल रहे, किसके द्वारा, इसी मलिक अंबर के कारण। लेकिन बाद में 1617 ईस्वी में फिर से शहजादा खुर्रम को जो सहनजा को फिर से भेजा गया, क्योंकि वो योग्य बेटे थे तो इसलिए वो गज जाते हैं और फिर जो है वो जीत लेते हैं। और इस प्रकार से उस जीत की खुशी में जो है जहांगीर जो है शाहजहाँ को, सॉरी जो खुर्रम है उसको शाहजहाँ की उपाधि जो था देते हैं, शाहजहाँ की उपाधि 1617 ईस्वी में। और इस प्रकार से उनका मनसब जो है, उनका तनख्वाह भी बढ़ जाती है, 30,000 से 20,000 स्वार की उपाधि उन्हें से सम्मानित किया, सबसे बड़ी उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। और इस प्रकार से मलिक अंबर ने मुगलों से, लेकिन क्या हुआ 1620 ईस्वी में, केवल 17 से केवल 3 वर्षों के पश्चात ही 1620 ईस्वी में मलिक अंबर ने फिर से जितने जो प्रदेश से उनसे छीने गए थे वो फिर से वापस कर दिए। तो इस तरह से अगर हम पूछे कि जहांगीर की दक्षिण की नीति कैसी थी, तो बिल्कुल असफल रही, क्योंकि एक इंच भर भी जमीन उसे नहीं मिल पाई, जितना भी जनधन की हानि हुई वो उसकी हुई और उसके पश्चात उसे फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये है दक्षिण नीति जहांगीर की। फिर बात कर लेते हैं कांगड़ा की विजय। हिमाचल में कांगड़ा पड़ता है ना, तो उसमें नगरकोट के नाम से ये विख्यात था, तो उसके ऊपर भी विजय हासिल करी थी जहांगीर ने। पहला मुगल शासक था जिसने जो है, याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, तो पहला मुगल शासक था जिसने कांगड़ा पर विजय हासिल करी थी, कब, 1620 ईस्वी में। तो शहजादा जो खुर्रम थे यहाँ भी जाते हैं 1619 ईस्वी में, और कांगड़ा क्योंकि महत्व यहीं से ही जो विजय मानी जाती थी, महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे इस नगरकोट के किले पर विजय हासिल करने के पश्चात ही माना जाता था पूरी तरह से विजय हासिल करना। तो 14 महीने का जो है वो घेराव पड़ा रहा, 14 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुगल की सेना जो, और वो भी खुद राजकुमार वहाँ पर गए हैं इतनी सेना को लेकर, लेकिन फिर भी उनको 14 महीने लग जाते हैं, तो अपने आप में ये शान थी इस नगरकोट की। तो इस प्रकार से 1620 ईस्वी में ये विजय हासिल करते हैं, और माना जाता है कि इतनी महत्वपूर्ण विजय थी कि जो है जहांगीर भी स्वयं जाता है और उस जश्न में शामिल होता है। खुर्रम तो थे ही, लेकिन राजा भी खुद जो है दिल्ली से जाकर वहाँ पर जो है वो उस विजय में जश्न में शामिल होता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय थी। ये कहता है इसके अतिरिक्त जहांगीर को असम के होमों से भी लगातार संघर्ष करना पड़ा, उसके पश्चात 1622 ईस्वी में जब नूरजहां और शाहजहां के बीच आपस में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हो रही थी, तनाव था, उस स्थिति का लाभ उठाकर जो है ईरान के शासक थे शाह अब्बास, उन्होंने कंधार पर अधिकार कर लिया था। ये सारी घटनाएं उस समय हुई थी, तो कंधार को भी छीन लिया गया था जिसे अकबर ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने अब तक उनका जो है, तो देखें तो मतलब अकबर के जो छोड़ के गया था उससे एक इंच भी जो है उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई जहांगीर को, ये राजनीतिक जो है वो जो पृष्ठभूमि वो बताती है। अब बात कर लेते कि उसमें के शासनकाल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी थी। एक सबसे पहले न्यायप्रिय शासक, आपको याद होगा कि उन्होंने अपने जो महल था उसके बाहर मेन दरवाजे के ऊपर जो है वो सोने की जो है जंजीर की एक जो है वो घंटी लगा रखी थी, जिसे स्वर्ण जड़ित जो है वो न्याय की जंजीर कहा जाता था। जब कभी भी किसी को न्याय नहीं मिलता था तो उसको जो है वो खींचता था, और घंटी बजने पर जो राजा जो होता था वो उसी समय जो है वो अपने दरबार में उसे न्याय दिलाने की कोशिश करता था, देता था। तो इस प्रकार से न्यायप्रिय शासक के तौर पर भी जो है जहांगीर को जाना जाता है। इसके अलावा उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है पुस्तक का तुझके ए जहांगीर, याद रखना तुझके जहांगीरी में उनकी आत्मकथा है, और ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम जो है तुझ का जहांगीरी अर्थात जहांगीरी प्रबंधन भी कहा जाता है। जहांगीर के अलावा जो है एक नाम जहांगीर ने भी इसमें जो है लिखने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी, ये मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी, इन्होंने भी इस पुस्तक को जो है पूरा करने के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक इसके अलावा जो जहांगीर थे वो स्वयं चित्रकार भी थे और चित्रकला का संरक्षक भी इन्होंने दिया। तो इनके दरबार के जो मुख्य जो चित्रकार थे उनका नाम है अब्दुर समर और मसूर खां, बिशनदास और मनोहर। इस समय के कलाकारों ने क्या किया कि उस समय के जो चटक जो रंग होते थे, जैसे कि मोर के जो गले का रंग होता है वो लाल सा और नीला सा होता था, तो उसे उनका भी जो उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया था। और इसके अलावा जो त्रिआयामी प्रभाव था, 3D जिसके हम कहते हैं ना 3D,
तो 3D जो पिक्चर थी वो उस समय चित्र जो है बनाना शुरू हो गए थे जहांगीर के शासनकाल में। इसीलिए जो है इन सभी को देखते हुए जो है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। फिर आता है इसके अलावा और क्या घटना घटी थी कि चौथे सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जो है जहांगीर के शासनकाल में हुई थी लाहौर में जो है 4 जून 1606 ईस्वी में, अत्यंत यातना के साथ जो है उनके गुरु पांचवें गुरु गुरजन अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, मतलब उसके शासनकाल में दौरान, हालांकि इसमें खुर्रम का हाथ भी था। तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी में आमेर दरबार जो है वो लगा था। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में चर्चा होनी ही चाहिए। ब्रिटिश व्यापारी जो है सबसे पहले विलियम हॉकिंस जो है 1609 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल के ही दौरान जो आए थे, और जहांगीर के दरबार में उन्हें जगह भी मिल गई थी, लेकिन वो व्यापारिक जो संधि थी उसके साथ नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो है वो नहीं चाहते थे कि विदेशी जो व्यापार है वो हमारे साथ हो और हमारे जो लघु उद्योग समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जहांगीर ने मना कर दिया। लेकिन फिर उसके पश्चात 1615 ईस्वी में टॉमस रॉ जो है, याद रखना, ये टॉमस रॉ जो है सफल हो जाते हैं उनके साथ एक व्यापारिक संधि करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो दरबार था आमेर में जो लगा था, जहां पर जो है वो टॉमस रॉय मिले थे जहांगीर के पास, और उन्हें अनुमति मिल गई थी, अनुमति पत्र मिल गया था, ऑथेंटिसिटी मिल गई थी। ये एक बड़ी भूल थी किसके लिए, कि अंग्रेज लोग भारतवर्ष में अगर आए उनके सपने पूरे हुए तो इसी संधि के कारण, याद रखना, इसी संधि के कारण। अगर ये ना होती तो शायद काफी और लंबे समय तक मुगल दरबार जो है या मुगल साम्राज्य जो स्थापित रह सकता था भारतवर्ष में। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो साम्राज्य का आना जो है यहीं से शुरू हुआ था। फिर बात कर लेते हैं जहांगीर का मकबरा। लाहौर में आज भी ये शहादरा नगर में जो है वो स्थित है, और इसके जो मृत्यु के 10 साल बाद ही उनके जो पुत्र थे शाहजहां ने उन्हें इसे बनाया था। उसके इसका निर्माण जो कार्य था, हालांकि जो नूरजहां ने शुरू करवा दिया था, लेकिन इसे पुत्र ने पूरा करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, यहाँ पर कैसे इस तरह से ये बनाया गया था, बगीचे के अंदर जो स्थित जो मीनारें हैं उनकी जो ऊंचाई है लगभग 30 जो मीटर ऊंची है, और इनके जो अंदर जो भित्ति चित्र है वो बहुत ही सजावट वाले बहुत सुंदर बनाए गए। इसके अलावा अगर कश्मीर में जाए तो शालीमार जो बाग है वो भी जो है इनके द्वारा बनाया गया है। फिर बात कर लेते हैं शाहजहां खुर्रम की, इनके जो बेटे थे जहांगीर के बेटे, इन्होंने शासन किया 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक, लगभग 30 वर्ष तक शासन किया, और ये खुर्रम नाम से, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी करी थी, और जन्म जो है वो 1542 ईस्वी में हुआ था लाहौर पाकिस्तान में, और निधन जो है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 78 वर्ष की आयु में आगरा किले में हुआ था, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने इनको जो है कैद कर लिया था, उसकी चर्चा भी बाद में करने वाले हैं। और समाधि जो है वो ताजमहल में, याद होगा आपको, मुमताज महल जो उनकी पत्नी थी उनके साथ ही इनको जो है दफना दिया गया था। तो मुमताज जो है वो आसफ खान की बेटी थी, पुत्र जो है वो औरंगजेब जो है नाम था। अब बात कर लेते हैं, अब पत्नी का नाम आता है मुमताज महल, कई बार जो है वो इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका जो है नाम क्या था, रियल नेम क्या था, तो उनका नाम था अंजुमन बानो बेगम। फिर इनका जो जन्म था वो 1593 ईस्वी में अप्रैल के महीने में आगरा में हुआ था, और महारानी नूर जहां की आपने बात करी है, जहांगीर की जो पत्नी थी उनकी ये भतीजी थी, और इनकी शादी जो है वो 19 साल की उम्र में जो है 10 मई 1612 ईस्वी का राजकुमार खुर्रम शाहजहां के साथ हुई, और उन्होंने उन्हें जो है मुमताज महल के नाम से जो है उपाधि से जो है वो सम्मानित किया था शादी के बाद। ठीक है, पहले उनका नाम था अंजुमन बानो बेगम। तो मुमताज और उनके पति से जो है 14 संतानें, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत सबसे प्रिय पत्नियों में से एक थी, और माना जाता कि जब 14वें जो बच्चे पैदा हुए तो उस समय उनकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो मुमताज महल का निधन 1631 ईस्वी में जो बुरहानपुर डेक्कन वर्तमान मध्य प्रदेश में हुई थी, और उनका उस समय 14वां बच्चा जो है जन्म ले चुका था। तो एक बेटी, उस समय नाम गौहर आरा बेगम था, याद रखना उसका नाम था गौहर आरा बेगम। तो शाहजहां ने ताजमहल को उसके लिए एक मकबरे के तौर पर जो है वो बनाया था, जिसका आप जो है आज भी जिक्र करते हैं। ये पूरे विश्व का 7 वंडर में से एक माना जाता है, तो वो उनकी याद में ही जो बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुमताज के बारे में। अब बात कर लेते हैं, एक महान साहित्यकार के तौर पर भी इन्हें जो जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1638 ईस्वी में शाहजहांबाद, जो पुरानी दिल्ली जो है के नाम से जानी जाती है, पुरानी दिल्ली में कहें जैसे लाल किला वगैरह या जो चांदनी चौक है, ये सारा जो है शाहजहांबाद में आता है। तो ये नई राजधानी जो है बनाई गई थी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में, याद रखना, शाहजहांबाद के नाम से, मतलब अपने नाम से इन्होंने इस
राजधानी को बसाया था। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या कार्य किया, 1658 ईस्वी में शाहजहां को औरंगजेब के आगरे के किले में कैद, सॉरी घटनाएं पढ़ रहे हम, तो उस समय 8 वर्ष तक उनको यहां पर कैद किया गया था। शाहजहां को औरंगजेब ने जो है वो 8 वर्षों तक इसी किले में जो है वो कैद करके रखा था। इस प्रकार से 1666 ईस्वी में इसी किले में उनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में उसे मुमताज़ महल के ही ताजमहल के जहां पर उनका जो है मकबरा है उसी मकबरे में उनको जो है दफना दिया गया था, मुमताज़ महल के साथ ही, ठीक है, उनकी इच्छा के अनुसार। और ताजमहल का निर्माण कब किया गया था, बात उठती है ताजमहल की, उसकी भी बात भी कर लेते हैं। आगरा में इनका निर्माण हुआ, भारतवर्ष में है ये, और ये 1632 से लेकर 1653 ईस्वी तक जो है ये निर्माण कार्य जो है वो चला था। याद रखना लगभग 20 वर्षों का जो है अंतराल जो है वो पड़ता है। तो इस प्रकार से विस्तार कितना हुआ, जो जमीन जो थी वो कितने में एकड़ में फैला हुआ, वो 42 एकड़ में फैला हुआ है। और वास्तुकार जो इसके वास्तुकार थे, मतलब इसके जो आर्किटेक्चर, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और इनका निर्माण था वो 20,000 कारीगरों शिल्पकारों द्वारा जो है वो पूरा किया गया था। और वास्तु जो शैली है वो है मुगल कला में ये बना है। इसे यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित कर दिया गया था 2007 ईस्वी में, और ये 7 अजूबों में भी शामिल है। और 1653 ईस्वी में लगभग 320 लाख रुपए की लागत से उस समय ये बना था, याद रखना, उस समय 320 लाख रुपए की लागत से बना। और आज की कीमत अगर उसको देखते हैं तो 52.8 अरब रुपए, लगभग 827 मिलियन डॉलर इसकी कीमत जो वो बैठती है, तो इतना पैसा उसमें लगा था। अब लाल किले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था। तो लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किला बन जो है वो पुरानी दिल्ली के इलाके में ही स्थित है। और लाल जो है वो ये जो बना है लाल बलुआ पत्थर से बना है, देखेंगे आप इसका जो है लाल बलुआ पत्थर से जो राजस्थान में से मंगवाया गया था ये उससे बना है। और यद्यपि ये जो किला था वो काफ़ी पुराना है, और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था, और इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण जो है वो रखा गया था। और इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो इसके अंदर जो है एक दीवाने खास जो इमारत बनाई गई है जिसके ऊपर जो है व्हाइट संगमरमर है, तो ये बहुत खूबसूरत जो है बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपके लिए आज की जो लाइनें हैं वो है कि कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर लिया। दुख की बात तब होती है जब आज की पीढ़ी इन शब्दों से इत्तफाक नहीं रखती। हमारी जो पीढ़ी थी वो इन चीज़ों से इत्तफाक रखती थी, उनको मालूम था कि मेरी माफ़ी मांगने से अगर जो है जो वातावरण है वो सही हो जाए तो ऐसा भी कर लेते थे। लेकिन अब आगे की पीढ़ी को क्या हो गया कुछ मालूम नहीं, शायद उसको यही अच्छा लगता है, लेकिन इसके परिणाम जैसे जैसे मिलते रहेंगे उसको मालूम होगा कि जो पहले वाले करते थे वो बिल्कुल सही करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का।